उत्तरकाशी में 41 मजदूर 17 दिन से फंसे हुए हैं, उनके लिए मंगलवार को राहत भरी खबर आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि जो पाइप डालने का कार्य किया जा रहा था टनल में, वो पूरा हो गया है और शीघ्र ही उनको बाहर लाया जाएगा। आपको बताते चले कि दीपावली के दिन यहाँ पर एक हादसा हुआ जिसमें 41 मजदूर यहाँ फंस गए थे और इसके बाद से ही यहाँ पर SDRF, NDRF और तमाम जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन करने लगी थी। हालांकि 17 दिन बीत चुके थे और देश भर में जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब 41 मजदूर बाहर आएंगे। वहीं टनल में फंसे मजदूरों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, उनमें घबराहट की शिकायतें आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी उनकी तरफ जो है हाथ बढ़ा रही थी, उनके परिजनों से बात कर रही थी, साथ ही साथ उनके लिए वहाँ पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई जिससे आदान प्रदान जो बातचीत का दौर है वो शुरू किया जाए। लेकिन आज मंगलवार के दिन एक राहत भरी खबर खुद सीएम ने दी है कि शाम होते ही आप जो है सारे के सारे मजदूर बाहर आएंगे। मैनुअल एक्सकवेशन होता है, फिर डी मकिंग उसका करते हैं हम, और उसके बाद पाइप पुश किया जाता है, नई पाइप के लिए फिर वेल्डिंग किया जाता है, ये सब में समय लगते हैं। तो लेकिन हमारी ये उम्मीद है कि अगले 4-5 मीटर शायद और हमारा होगा। बिल्कुल अंदाज बिल्कुल एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारा जो अंदाज है यही है कि 5-6 मीटर और लगेगा। अब हम थोड़े छोटे छोटे लेंथ के पाइप हम पुशिंग कर रहे हैं, तो उम्मीद रखिए। डॉक्टर नीरज ने ये बात भी बोला कि लेट इवनिंग तक हमें कुछ अच्छी खबर मिले और सबकी प्रार्थना बिल्कुल आपकी जारी रहे, जिससे बहुत फायदा होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बाबा बौख नाग जी की असीम कृपा, देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप सभी मजदूरों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है, शीघ्र ही सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। यहाँ बताते चले कि देश भर की निगाहें उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों पर हैं, वहीं उन्हें बाहर निकालने के लिए कई एम्बुलेंस सिलक्यारा सुरंग में प्रवेश कर रही हैं। NDRF, SDRF और कई अन्य एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। मंगलवार को सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान पर अतिरिक्त सचिव तकनीकी सड़क और परिवहन महमूद अहमद ने कहा कि 55.3 मीटर की ड्रिलिंग हो गई है, लगभग 4 से 5 मीटर और बचा हुआ है, शाम तक हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर ने कहा, हम शाम 5 बजे तक कुछ अच्छा परिणाम देखने की उम्मीद कर रहे हैं, 2 से 3 मीटर अब सिर्फ बचा हुआ है। You've got people inside the mountain feeling good? Yeah. You've got me outside the mountain saying I'm feeling good, but I'm saying even a meter is a meter. Okay. And we don't know what comes next. And the mountain has taught us one thing, and that is to be humble. And so I'm just saying. And we're just supposed to be very positive for that one meter also. 41 men home safe, no one injured. And then you'll be reporting the most extraordinary event that I'm aware of for at least the last few thousand years. This does not normally happen. Okay, thank you so much, Arnold. What's the progress, sir? So we're still mining. We've got a couple more meters to go. The going is quite easy. We're expecting to see some results by 5 o'clock. So how many meters left? About 2 to 3 meters. 2 to 3 meters? Yes. How much time it will take, according to you, sir? About 5 o'clock, we should see. 5 o'clock. अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 11 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर के बाहर पूजा भी की। वह इस पूरे मामले की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी है। उन्होंने सीएम धामी को फ़ोन कर सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों के राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली है। तो बस अब से कुछ घंटों का इंतज़ार रह गया है और इस इंतज़ार की घड़ी को ख़त्म होते ही सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकलेंगे। आपको बताते चले कि बाहर एक नई सड़क तैयार की गई है, यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है, SDRF, NDRF की टीम मौजूद है और यहीं से एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है और इसी रास्ते से होते हुए सभी 41 मजदूर पहले उनका स्वास्थ्य के देखते हुए उन्हें एक स्थानीय अस्पताल ले जाया जाएगा, वहां से उनके आवास पर पहुंचाया जाएगा। इस बीच जिला प्रशासन की टीम और अन्य टीम भी मौजूद रहेंगी और हो सकता है कि आगे इनसे मीडिया से भी रूबरू हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
आप देश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे लोकमत हिंदी। नमस्कार।